जनता पर ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत तकलीफदेह बात है। इसमें किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, वो 10 महीने से पड़े हैं, उनके घर बार छोड़े हुए पड़े हैं, फसल बोने का टाइम है, अब भी यहाँ पड़े हैं दिल्ली में, तो उनकी सुनवाई करनी चाहिए सरकार को। जब जरूरत पड़ेगी वो भी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं उनके साथ हूँ, उनके लिए मैं प्रधानमंत्री गृहमंत्री सबसे झगड़ा कर चुका हूँ, सबको कह चुका हूँ कि ये गलत कर रहे हो, ये मत करो। को अपने विचार बताऊंगा जो है, चाहे वो कश्मीर पे हो या किसी भी चीज पे हो। देखो सरकारें जो होती हैं उनका मिजाज थोड़ा आसमान में हो जाता है, उन्हें ये दिखता नहीं है कि ये इनकी तकलीफ कितनी है, लेकिन वक्त आता है फिर उनको देखना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। यही सरकार का होना है। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो ये सरकार दोबारा नहीं आएगी। मेरठ से हूँ, मेरे यहाँ तो कोई बीजेपी का लीडर किसी गांव में नहीं घुस सकता है, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, बागपत में घुस नहीं सकते हैं। वो नहीं समझते कभी भी जब तक पूरा सत्यानाश ना हो जाए। गिर्द है वो लोग, उनको गलत सलाह दे रहे हैं। ये कहे तो कि तू मध्यस्थ है, मैं तो कर दूंगा मध्यस्थ, लेकिन एक पार्टी तो किसानों ने तो कह दिया हम मानने को तैयार हैं, सरकार भी कहते मैं बैठ के, एक एक चीज है जिससे हल हो जाएगा, आप MSP की गारंटी कर दो, तीनों कानून के मामले पे मैं किसानों को मना लूंगा कि ये तीनों कानून लंबित हैं, छोड़ दो इसको अब।